उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर तहसील गदरपुर के अंतर्गत दिनेशपुर सुंदरपुर गांव में एक हफ्ते से तेंदुए की दहशत बनी हुई है। कभी इस खेत में कभी उस खेत में दिखाई दे रहा है। हमारे लोकप्रिय चैनल ने इस न्यूज को प्राथमिकता से प्रसारण किया। तत्काल वन विभाग टीम एक्शन में आ गई। विधायक शिव अरोरा और रुद्रपुर वन क्षेत्र अधिकारी BS केड़ा के सहयोग से वन विभाग की टीम पिंजरा लेकर रात्रि लगभग 10 बजे गांव में पहुंची तो दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने पिंजरा देखकर कुछ राहत की सांस ली। वन विभाग द्वारा रात्रि को ही तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। आपको बताते चले कि पिछले एक हफ्ते से तेंदुए के लेकर सुंदरपुर के ग्रामीण काफी भयभीत थे। अपने परिवार व बच्चे बुजुर्ग को दूसरे गांव में रिश्तेदारी में छोड़कर आ रहे थे। पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने बताया कि अभी एक पिंजरे की व्यवस्था की गई है, जरूरत पड़े तो कल दूसरा पिंजरा ले आऊंगा और कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर भी आप लोग सावधानी से रहें। तो हमारे वाइल्ड लाइफ के नियम हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश हैं, उसके हिसाब से पिंजरे की अनुमति मिलने में कई बार बहुत समस्या आती है। कल मैंने कहा था कल कहने के बाद कल भी ऐसा माना जा रहा था कि पिंजरे की अनुमति नहीं आएगी। सब गांव वालों को भी बताया गया था पिंजरा तो नहीं लग सकता, तो कल उसकी अनुमति की प्रक्रिया मैंने शुरू करा दी थी। आज ऐसा माना जा रहा था कि 4-5 दिन और लगेंगे, लेकिन मेरी लगातार बातचीत मंत्री जी से भी हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी दिया था हमने और जो हमारे उच्च अधिकारी उनसे भी चल रही थी, तो आज ये पिंजरा एक आ गया है, एक पिंजरा कल और आ जाए इसका प्रयास रहेगा और जल्दी जल्दी तेंदुआ पकड़ा जाए इसका प्रयास कर रहे हैं। इसमें जितनी भी शीघ्रता से कार्रवाई हो सकती है, जितने लोग आसपास की घटनाएं देख रहे हैं वो जानते हैं कि जितनी शीघ्रता से रुद्रपुर में और यहाँ सुंदरपुर आसपास के हमने पिंजरे की व्यवस्था की उतनी जल्दी कहीं नहीं हो पाती और पूरी तरीके से यहाँ का विधायक यहाँ की जनता के साथ है, हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जनता के साथ है। इस भय के वातावरण को दूर करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। गांव वाले का भी डरावा नहीं, इनके क्या अपील है? मेरी ये कि एक तो सुरक्षा रखें, बच्चों को अकेले ना निकलने दें, बच्चे अकेले ना निकलें और रात में अकेले मूवमेंट ना करें, और साथ ही साथ जो कहीं पर भी अगर ये जंगल की तरफ है, इधर खेत की तरफ है, जहाँ गन्ने वन्ने हैं, वहाँ जहाँ तेंदुए के छुपे होने की संभावना है वहाँ लोग ना जाएं, और अगर कहीं तेंदुए का मूवमेंट नज़र आए तो उस पर किसी तरीके का आक्रमण ना करें, कोई पथराव ना करें, कोई लाठियाँ ना लेके जाएं। ये फॉरेस्ट विभाग का काम है, फॉरेस्ट विभाग उसे खुद देखेगा, वो यहाँ तत्परता के साथ लगा हुआ है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।